अगर आप अपना एक ऑनलाइन पैसिव इनकम बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन के साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बिजनेस मॉडल देखें, अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट लाजमी है, ठीक है। आपने एक डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी है और मैं आपको बताऊंगा क्या कहाँ से आपको अफोर्डेबल रेट्स में होस्टिंग एंड डोमेन मिल सकती है। अगर हम डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करें तो जाहिर सी बात है हमें एक वेबसाइट चाहिए और वेबसाइट के लिए आपको कोई कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप एक विदाउट कोडिंग किए हुए वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। और वर्डप्रेस की बात नहीं कर रहे, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप किस तरह एक वेबसाइट को अपनी होस्टिंग में लाइव कर सकते हैं। वेबसाइट के बाद हमें करनी होगी उस वेबसाइट की SEO, ठीक है। आप अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप एक आउटसोर्स भी कर सकते हैं इसको। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम एक अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करेंगे, और मोनेटाइज जब हमारी वेबसाइट हो जाएगी तो हम थोड़ी बहुत मार्केटिंग करेंगे ताकि हमें कुछ विजिटर्स आने लग जाएं। अब ये ब्लॉग की बात नहीं कर रहा मैं, ब्लॉगिंग का भी सिनेरियो यही होता है, लेकिन ये एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है। ब्लॉगिंग में तो ये है कि जब आप एक ब्लॉग सेटअप करते हैं तो आपको रेगुलर आर्टिकल्स अपलोड करने होते हैं, लेकिन ये बिजनेस मॉडल ऐसा बिजनेस मॉडल है कि आपने सिर्फ इसको वन टाइम सेटअप कर लेना है और उसके बाद जो है ये आपको पैसिव इनकम जनरेट करता रहेगा। तो सबसे पहले डोमेन एंड होस्टिंग की बात करते हैं। डोमेन एंड होस्टिंग आपने परचेज करनी है नेमचीप से। अब नेमचीप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनकी कस्टमर सपोर्ट बेहतरीन है। अगर आप कोई भी इशू आपकी वेबसाइट में आ जाता है तो आप इनकी सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और विद इन अ मिनट्स आपके ये इशू ये सॉल्व कर देंगे। तो जो भी आप बिजनेस नेम रखना चाहते हैं आप उसकी यहाँ पे डोमेन सर्च करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमेन आपको $5.98 की .com वाली डोमेन मिल जाएगी। इसके अलावा जो होस्टिंग आपने परचेज करनी है वो शेयर्ड होस्टिंग में आना है, होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग, और यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बिगनर हैं तो ये इसको स्टेलर पैकेज कर लें, क्योंकि स्टेलर पैकेज में हम 3 वेबसाइट्स रन कर सकते हैं। तो आपने तो एक वेबसाइट चलानी है तो इस वेबसाइट के लिए, इस बिजनेस के लिए ये वाला पैकेज बेहतरीन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू पे $22.88 फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो आपने ये $22 हैं, आप इसको अपनी कंट्री के करेंसी से इसको कन्वर्ट भी करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बजट ब्रेकडाउन में देखें तो हमें सबसे पहले चाहिए डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है। अब डोमेन एंड होस्टिंग होस्टिंग की प्राइस जो है वो 22.8 है, और जो हमारी डोमेन की प्राइस है वो तकरीबन $6 है फॉर 1 ईयर। तो हम इसको अराउंड जो एस्टिमेशन कॉस्ट हम लगा लेते हैं कि $30 यहाँ पर हमें डोमेन एंड होस्टिंग की कॉस्ट पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में आता है वेबसाइट। अब वेबसाइट के लिए आपने गूगल में कोड कैनियन सर्च करना है और यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर इस पेज में आने के बाद आपने PHP स्क्रिप्ट्स और पॉपुलर आइटम्स को क्लिक करना है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स आप देख सकते हैं, जो भी सिस्टम आपको समझ आ रहा है और जो भी आपको लगता है कि आप इसको सेटअप करेंगे तो आपको कस्टमर मिल सकते हैं। आपने बेसिकली एक SEO करनी है और मार्केटिंग करनी है। इसमें यहाँ पे आपको SaaS एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो अगर उसको सर्विस चाहिए होगी तो वो सब्सक्रिप्शन परचेज करेगा। तो आपका ये एक पैसिव इनकम बिजनेस जनरेट हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर एक मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स हैं। अब मैं यहाँ पर लेट से सर्च कर लेता हूँ वीडियो डाउनलोडर। मुख्तलिफ यहाँ पे स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, और यहाँ पर लेट से ये जो है ऑल इन वन वीडियो डाउनलोडर, हम इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद आपने इसकी डिटेल्स यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स इस पूरी स्क्रिप्ट में हैं और कौन कौन सी प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाउनलोडर ये चल जाएगा। आप देखें यहाँ पे सपोर्टेड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो सारे प्लेटफॉर्म की वीडियोस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका ये देखें, ये अगर आपकी एक वेबसाइट हो इस तरह की, तो आपने जैसे उसकी SEO करनी है। SEO करेंगे तो आप जो ऑर्गेनिक रीच आपको मिलेगी, तो जितने ज़्यादा यूज़र्स आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो उतना ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसका लाइव प्रीव्यू देखूँ एक दफ़ा, तो इसको लाइव प्रीव्यू को क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे इनका कोई डेटाबेस का इशू आ रहा है, लेकिन ये वेबसाइट है AIODown.com। तो अगर हम इसको वैसे ही गूगल में सर्च करें ऑल इन वन वीडियो डाउनलोडर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाली एक वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट बेसिकली ये डेमो जो वर्जन हमें यहाँ पे एरर दे रहा है वो बेसिकली ये वेबसाइट है। तो इस तरह का देखें,
आपको इंटरफेस मिल जाएगा, यहाँ पे कोई भी यूज़र एक लिंक पेस्ट करेगा तो सिंपली ये वेबसाइट उसको डाउनलोड कर देगी। बैकएंड कोडिंग सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है, ये सारे सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हैं, इस सब प्लेटफॉर्म्स की वीडियोज़ यहाँ पे इजीली डाउनलोड हो जाएंगी और HD क्वालिटी में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी। तो आपने बेसिकली इसको अपने एक होस्टिंग सर्वर पे वेबसाइट को लाइव करना है। अगर आपको मैं मज़ीद इसकी डिटेल्स दिखाऊं, अब मैं यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर टूल आप ओपन कर लें, आप गूगल एड्स का अकाउंट बनाएंगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे अगर मैं यहाँ पे लेट से वीडियो डाउनलोडर सर्च करूँ, और इसके अलावा मैं यहाँ लिख देता हूँ टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर, या फिर मैं लिख देता हूँ फेसबुक वीडियो डाउनलोडर। और यहाँ पे लोकेशन आपने जो टारगेट करना है वो आपने UK और USA को टारगेट करना है, तो हम यहाँ पे US सेलेक्ट कर लेते हैं और UK सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं सेव करके सर्च करूँ, गेट रिजल्ट को क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मुझे वो इन कीवर्ड्स पे जो सर्चिंग वॉल्यूम है वो मुझे यहाँ पे बताएगा। देखिए, वीडियो डाउनलोडर जो है वो एवरेज मंथली सर्चेज जो है वो 100K से लेके 1 मिलियन तक है, और इसका कंपटीशन भी जो है वो लो है। आप यहाँ पे देखें कि जो इसका कंपटीशन है वो लो है, यानी कि आप ये कीवर्ड जो है इसको रैंक कर सकते हैं। फिर टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर है, इसकी भी मंथली सर्चेज इतनी है और इसका जो कंपटीशन है लो है। तो आपने वो कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं जिनका कंपटीशन लो हो और जिन पे मंथली सर्चेज जो है वो ज़्यादा आ रही हो। तो यहाँ से देखें आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये स्क्रिप्ट जो है मेरे बिजनेस के लिए अच्छी है। ठीक है, आपने कोई कोडिंग वगैरह नहीं करनी जब आप इसको परचेज करेंगे। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है रेगुलर लाइसेंस जो है $49। ठीक है, तो जब आप इसको परचेज करेंगे तो ये आप अपनी होस्टिंग पे लाइव कर सकते हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इसकी यहाँ पर आपको जब डाउनलोड करेंगे तो गिवन होगी फोल्डर के अंदर, आप उन्हें बस उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इस वेबसाइट को लाइव कर लेना है। अगर मैं गूगल ट्रेंड्स में आके देखूँ, गूगल ट्रेंड्स में अगर हम यहाँ पे लिखें वीडियो डाउनलोडर, यहाँ पर जो स्पेलिंग है इसको हम सही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर। उसके बाद आपने जो लोकेशन है वो आपने USA सेलेक्ट कर लेनी है। आप वर्ल्ड वाइड करके भी देख सकते हैं। अगर मैं वर्ल्ड वाइड करके देखूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट 100 को टच कर रहा है, यानी कि ये अगर मैं इसका जो डाटा है इसको हम पास्ट 90 डेज 3 मंथ्स का देख लेते हैं, तो 3 मंथ्स में आप देखें कि ये जो कीवर्ड सर्चेस हो रही हैं इस कीवर्ड पे वो अबव 50% है। देखिए, 50 से ग्राफ जो है वो ऊपर है, तो ये एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस टर्म को इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो आप के लिए बेहतरीन है कि आप ये स्क्रिप्ट डाउनलोड करें। अब ये स्क्रिप्ट आपको कितने की मिलेगी? $49। अगर हम बजट ब्रेकडाउन में यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं कि जो हमें स्क्रिप्ट मिलेगी वो हमें मिलेगी $49 की। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप गूगल में आकर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ वीडियो डाउनलोडर या फिर मैं सर्च करूँ टिकटॉक डाउनलोडर, ठीक है, टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर, ठीक है, अब मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे मुझे ये डिफरेंट वेबसाइट्स दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक वीडियो डाउनलोडर लिखूँ लेट से, तो फेसबुक वीडियो डाउनलोडर पे ये सारी वेबसाइट्स जो हैं आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली वेबसाइट को देखूँ fdown.net, ठीक है, इस वेबसाइट को अगर हम देखें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे विजिटर्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, आपने सिंपली इसका लिंक कॉपी करना है, एक न्यू टैब में आप यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक चेकर यहाँ पर सर्च करें, और डिफरेंट जो वेबसाइट्स होंगी फॉर एग्जांपल HRF है, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे डोमेन मैं ऐड कर देता हूँ जो हमने कॉपी किया fdown.net। इसके अगर हम ट्रैफिक चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रैफिक है वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इसकी 12 मिलियन है। ठीक है, ट्रैफिक वैल्यू भी लिखी हुई है और बता रहे हैं कि टॉप कंट्रीज किस कंट्री से ट्रैफिक आ रही है और कीवर्ड्स कौन से इसके रैंकिंग में। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी इस वेबसाइट पे ट्रैफिक 12.6 मिलियन है। तो गूगल एडसेंस में यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेटर अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है कि कौन सा रीजन है, फॉर एग्जांपल एशियन पैसिफिक कंट्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं, और दूसरा आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी की है। तो यहाँ पे हम आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी वेबसाइट में हम वीडियोज़ डाउनलोड कर रहे हैं, तो
एंटरटेनमेंट कैटेगरी में भी वो फॉल करती है, लेकिन हम यहाँ पर कोई और कैटेगरी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटरनेट वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंटरनेट एंड टेलीकॉम वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट को क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि 50,000 अगर आपके मंथली व्यूज़ हों तो आप इतना जनरेट कर सकते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये देखें, लेट से ये $6,000 अगर जनरेट नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट इसका हाफ कर लें, $3,000 या $4,000 तो जनरेट हो जाएंगे ना। मतलब अगर इतनी अमाउंट नहीं हो रही तो कम से कम 4,000 तो इजीली जनरेट हो जाएंगे अगर आपके व्यूज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप देखें ये वाली जो वेबसाइट है फेसबुक fbdown.net, हमने इसका जो एनालिसिस किया है ये 12 मिलियन पे है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर देखें, जितना आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो देखें यहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है आपका वो गूगल एडसेंस आपको बता देगा। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने एक स्क्रिप्ट परचेज करनी है और उसको अपने सर्वर पर लाइव करना है, और लाइव करने के बाद आपने एक SEO करनी है, ठीक है। SEO आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप आउटसोर्स करेंगे तो डिपेंड करता है कि वो आपसे जो भी जिसको भी आप हायर कर रहे हैं वो आपसे कितना चार्ज करेगा। अब देखिए ये जो हमने बजट ब्रेक डाउन की है, ठीक है, ये हमारी सिर्फ स्टार्टिंग कॉस्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग कॉस्ट अगर मैं 49 + 30 करूँ तो ये कॉस्ट बनती है 79, ठीक है। तो $79 लग रहे हैं आपको ये बिजनेस स्टार्ट करते हुए, ठीक है। आपने ये सिर्फ वन टाइम कॉस्ट है। उसके बाद जो कॉस्ट आती है वो आपकी SEO की आती है और डिजिटल मार्केटिंग की आती है, ठीक है। अब SEO के लिए डिपेंड करता है कि आप किसको हायर कर रहे हैं। SEO आप $100 पर मंथ में मिल जाएगा आपको, $150 पर मंथ में मिल जाएगा। और मार्केटिंग का मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको कुछ विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर रेगुलरली आते रहेंगे। आप मार्केटिंग आप बहुत हाई फाई ना करें, आप कोशिश करें कि मिनिमम अगर लेट से $50 की बात करें तो $50 आप स्पेंड कर लें पर मंथ, ताकि आपको जो डेली का बजट हो वो $1.5 या $2 हो, ठीक है, डेली का बजट। और आपको अगर आप USA UK में टारगेट करेंगे, चले अगर कुछ भी नहीं तो 10 से 20 विजिटर्स भी आ जाएं डेली के, तो दैट इज़ मोर देन इनफ इन स्टार्ट, ठीक है। जब आपके ये मार्केटिंग के थ्रू विजिटर्स आ रहे होंगे और उसके अलावा जब आप SEO करेंगे तो ये तकरीबन कह लें कि 3 से 4 महीनों में या 4 से 5 महीनों में आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप सर्च रिजल्ट्स में आएगी। अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर SEO सर्च करूँ, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड्स आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो स्पॉन्सर्ड एड्स जो शो होती हैं वो बेसिकली जिन लोगों ने कंपेन्स रन की होती हैं, जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनकी वेबसाइट्स आपको टॉप रिजल्ट में शो होती हैं। तो अगर आप मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे $1-$2 पर डे से, तो आपकी भी एड जो है, जो आपकी वेबसाइट है, वो सबसे पहले गूगल शो करेगा, ठीक है। और मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि जब भी कोई बंदा कोई सर्च करता है तो वो पहली वेबसाइट को क्लिक करता है और वो स्पॉन्सर्ड ऐड ही होती है। अगर आप मैं यहाँ पर सर्च करूँ, नेमचीप को सर्च करें, तो नेमचीप की यहाँ पर देखें स्पॉन्सर्ड ये लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे इनका ये ऐड चल रहा है और गूगल इनका ऐड हमें यहाँ पर शो करवा रहा है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो इनकी वेबसाइट पर चला जाऊँगा। तो बेसिकली आपने मार्केटिंग इसलिए करनी है ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप सर्च रिजल्ट्स में हो, ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोडर सर्च करे तो आपकी वेबसाइट जो है सबसे ऊपर शो हो, ठीक है। तो ये आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली और सिंपली एक होस्टिंग और एक स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। आपने उसको बस उसको लाइव कर देना है, उसके बाद जो है वो SEO और मार्केटिंग आती है और वो आप कह लें कि 4 से 5 महीनों में इजीली वेबसाइट आपकी रैंक हो दी जाएगी। तो ये एक सारा प्रोसेस है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कोई इतना बजट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, $79 में एक सारा कुछ सेटअप हो जाएगा। और उसके बाद ये जो है ये आपकी कॉस्ट आएगी जो मंथली बेसिस पे होंगी, ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आप इसको स्पेंड नहीं भी करना चाहते, अगर आपको SEO थोड़ी बहुत खुद आती है, तो आप SEO एटलीस्ट स्टार्टिंग में थोड़ी सी खुद करें और डिजिटल मार्केटिंग में $50 पर मंथ जो है वो स्पेंड कर दें। तो इस तरह आप एक कंप्लीट अपना एक पैसिव इनकम ऑनलाइन बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली।